everyone, welcome back to my channel. My name is Riya and you guys are watching Beauty and Reaction. तो आज गाइस काफ़ी टाइम बाद बहुत टाइम बाद मैं वापस आ चुकी हूँ दोबारा, ठीक है, अपनी इस फील्ड के अंदर अपने मनपसंद काम को दोबारा करने के लिए मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन देने वाले हैं आज हम एक नए सॉन्ग पे। एक्चुअली मेरे लिए नया सॉन्ग है बट आप लोग इस सॉन्ग को डेफिनेटली सुन चुके होंगे, है ना। एंड ये सॉन्ग 2 वीक्स पहले आ चुका है एंड इसके अंदर जो बहुमान जो हैं उनका एक एल्बम आई है वेली लेन इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग देन आई एम लिटरली सॉरी, ठीक है। तो इसको रिएक्शन देने वाले हैं, इसके अंदर ये पूरी एल्बम है, इसके काफ़ी सारे दो आई गेस के 3-4 सॉन्ग इसके आ चुके हैं, तो वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दैट। सॉन्ग का नाम है किरदार, तो लेट्स सी कि इसमें हमको क्या दिखाया गया है, इस सॉन्ग के अंदर क्या है। एंड इट्स अ नॉर्मल ऑडियो, इट्स नॉट अ वीडियो। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। दैट्स द वीडियो तू छापे नोट और मैं किरदार कमाया है एंड बहुत बड़ी बात है ये, लाइक यू नो बहुत बड़े लिरिक्स हैं लिटरली, कि इसमें ऐसा बोलो कि तू नोट छापता है लेकिन मैंने तो किरदार कमाया भाई। तो देर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नोट छापने में और किरदार कमाने में, ठीक है। किरदार को कमाया जाता है बहुत मेहनत से एंड नोट भी कमाए जाते हैं मेहनत से, लेकिन जो एक आपका करेक्टर है ना उसको आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छे इसके लिरिक्स हैं, इवन तो पूरा जो सॉन्ग है किरदार के ऊपर सॉन्ग है कि मैंने तो अपना किरदार बनाया है, तूने नोट छापे लेकिन मैंने अपना किरदार बनाया है और लोग मेरे बारे में बहुत ऐसी गलत बातें बोलते, लेकिन अगर जब मैं अपने मुँह खुलने पर आ गया तो क्या होगा, ठीक है। मतलब
लिरिक्स तो उसके बहुत ही अच्छे थे. आई रियली 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 लव द लिरिक्स. के लिरिक्स बहुत अच्छे, लिटरली मुझे लिरिक्स बहुत ही पसंद आए हैं इसके, बहुत ही अच्छे लगे हैं इसके लिरिक्स मुझे. एनी सॉन्ग 2 हफ्ते पहले का आ चुका ही, अब तक तो आप सब लोगों ने सॉन्ग को सुन चुके होंगे. एनी सॉन्ग आप सबका फेवरेट भी बन चुका होगा. मैंने इसको अभी सुना है तो मेरा सॉन्ग फेवरेट ही अभी बना है एंड आई जस्ट लव इट. वॉइस बहुत अच्छी है, शुरुआत का जो म्यूजिक आ रहा था दैट वॉज अमेजिंग, बहुत अलग था म्यूजिक. एंड पूरे थ्रू आउट द वीडियो जो म्यूजिक जो यूज़ करा गया है, जब जैसे लिरिक्स खत्म हुई फिर उसके बाद जब एक म्यूजिक का पार्ट आया उसके अंदर जो म्यूजिक था, ओ माय गॉड, वो एक अलग ही म्यूजिक था लिटरली. मतलब इट्स स्पीचलेस भाई. एंड मैं बहुत कम मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मतलब मैं म्यूजिक सुनती हूँ इन द सेंस बहुत कम ऐसे म्यूजिक्स होते हैं जो मेरे को पसंद आते हैं, ठीक है. ज़्यादातर मेरे को, मैंने ज़्यादातर हिंदी सॉन्ग सुने तो हिंदी सॉन्ग्स के जो म्यूजिक होते हैं मुझे वही पसंद आते हैं, ठीक है, म्यूजिक पसंद आते हैं, ठीक है. बट ये कुछ अलग थे, मतलब इनके सॉन्ग्स के म्यूजिक ही कुछ अलग होते हैं. एंड 2024 के इनके लेटेस्ट सॉन्ग चल रहे हैं भाई सारे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनके सारे सॉन्ग्स को कवर कर लूँ, ठीक है. बिकॉज बहुत हो गया मेरा लिटरली जो मैं इसे यूट्यूब पर छोड़ के बैठ गई हूँ ना, बहुत हो चुका मेरे ड्रामे. अब मेरे को वापस आ जाने से अपने इसी फील्ड पर, इसी काम पर, क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है आपको वही चीज़ अपनी लाइफ में करनी चाहिए. तो ये जो मैं इस टाइम कर रही हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा फील करा दी. तो आई थॉट कि मेरे को इसको बिल्कुल भी एंड नहीं करना चाहिए. शुरुआत से बेशक ठीक है अप्स एंड डाउन आते लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम अप्स एंड डाउन्स में खो ही जाओ भाई, कि तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी है. सो फाइनली मैं आई गई हूँ, ठीक है. एंड मैंने सॉन्ग प्रेशन दिया है. होप आपको पसंद आया होगा मेरे प्यारे से वीडियो पे. मुझे सॉन्ग अच्छा लगा है. होप आपको भी मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा. एंड प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना नीचे के. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट. एंड या आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं यूट्यूब को कभी ना छोड़ूँ, बिकॉज दिस इज वॉट मेक्स मी हैप्पी. सो आई रियली नीड टू स्टिक ऑन दिस. सो अभी के लिए इतना ही. आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरे शो प्यारे से वीडियो पे. अगर आया देन प्लीज टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज फ्री. उसके जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यूज आए सब फिर मुझे आप. सो बिग लिख टाइम नेक्स्ट वीडियो में. बाय.